नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के चांपा कोरबा मुख्य मार्ग में चल रहा किसी युद्ध में जीतने से कम नहीं है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण राहगीरों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें स्थानीय विधायक व्यास कश्यप भी अपना समर्थन दिया। वहीं विधायक ने फोन पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए सप्ताह भर के भीतर समस्या का समाधान नहीं होने पर चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा आज तक इस जर्जर सड़क के मरम्मत को लेकर कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं। चांपा से रिपोर्टर राजू साहू की रिपोर्ट। ये कोरबा वाले जो रोड है उसमें थोड़ा सा गड्ढे हो गए हैं, तो माननीय विधायक महोदय के द्वारा अभी धरना प्रदर्शन किया गया और विरोध प्रदर्शन के दौरान फिर उपस्थित हुआ मैं, तो बताया कि यहाँ गड्ढे को भरना है करके उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्म कर दिया गया और संबंधित विभाग को ई जो है कोरबा ई इसके संबंध में आते हैं तो उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है और जल्दी ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सहित वार्ड नंबर 21 के पार्षद और नगर पालिका के पार्षद सभी लोग मिल करके चांपा कोरबा मार्ग के ओवर ब्रिज से नीचे आप जो देख रहे हैं गड्ढा, इस गड्ढा की समस्या के समाधान के लिए हम सब जुटे हुए थे और आज हम ई पीडब्ल्यूडी एडीएम कलेक्ट्रेट और ई कोरबा जांगड़े इनसे बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम से यह काम चालू हो जाएगा, कल शाम से, और काम अगर प्रारंभ नहीं होगा एक हफ्ते के अंदर इसका निराकरण नहीं होगा, अगले हफ्ते यहाँ पे चक्का जाम की सूचना देकर आम जनों के साथ हम यहाँ पे बैठेंगे। और लाइट के भी विषय में हमने कहा है कि आपका जो ओवर ब्रिज में लाइट नहीं जल रहा है, अति शीघ्र उस लाइट को भी जलाया जाए। ई पीडब्ल्यूडी का कथन है कि टीएल की भी बैठक में इस विषय में बात हो गई है, परंतु क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी स्वयं एक बैठक मेरी कलेक्ट्रेट में, वहां जाकर इस विषय को मैं स्वयं अवगत कराऊंगा। ओवर ब्रिज के लिए लेकर हम लोग खबर चला रहे हैं कि उसमें मौत का दुर्घटना, हाँ उसी विषय पर मेरी बात हुई है कि लाइट लगना चाहिए, वहाँ पर अंधेरा है।